नमस्कार सकाळर अपडेट खबर सह प्रथम खबर को स्वागत करुछि मो शक्ति साई मिश्र ब्रिटेन को आकुनबा किंतु प्रथम देखनबा आसंतु कोन रहछि वर्तमान रा हेडलाइंस उग्र हला सीमा विवाद अशांत आसाम मिजोरम बॉर्डर संघर्ष रा आसाम छ पुलिस सहित समस्या रा शीघ्र समाधान पाए दुई मुख्यमंत्री को केंद्र गृहमंत्री अमित शाह का निर्देश जेई आडभांस तारीख घोषणा अक्टोबर तीन में परीक्षा नहीं घोषणा कले केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट करी कहिले कोविड कटकणारे हेबा परीक्षा आज प्रधानमंत्री को भेटे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपराह चारिटे हेबा मोदी और दीदी भेटघाट पांच दिनिया गस्तरे अन्य विरोधी नेता भेटा कार्यक्रम 2024 लोकसभा निर्वाचन दीदी दिल्ली गस्त नहीं चर्चा जोर पलातक विजय माल्या को यूके हाईकोर्ट का बड़ा झटका माल्या को देवालिया घोषणा कले कोर्ट जबत हो पारे सबु संपत्ति ओलंपिक टाइटल नहीं स्वदेश फेरिले सुना झील चालू विमानबंदर में मीराबाई को भव्य स्वागत केन्द्र क्रीड़ा मंत्रालय दे उच्छ्वसित संवर्धना रेल विभाग पक्ष दुई कोटी पुरस्कार राशि सह चाकरी में पदोन्नति ट्वीट कर केन्द्र रेलमंत्री सूचना ओलंपिक्स रे भारत अभियान जारी चतुर्थ दिवस रे टेनिस तारका सार्थक कमल कले कमाल आज पंचम दिन रे पुरुष हॉकी टीम सह शूटर मानंक ऊपर भारतीय क्रीड़ा प्रेमी नजर बयस 86 किंतु 36 वर्ष होब छुई नहांती अन्न की रंधा खाद्य स्कूल माटी माड़ी नथिबा बेले मुखरु निर्गत अनर्गल संस्कृत श्लोक भगवान शिव एवं मां दुर्गा उपासना करी ब्रह्मचारिणी व्रत पालुछंती मयूरभंज जामदा मारवार गांव वृद्धा फुलमणि उग्र होइछि सीमा विवाद अशांत होइछि आसाम मिजोरम बॉर्डर दीर्घ दिन धरी लागि रहिथिबा दुई राज्यर सीमा विवाद एबे चरम सीमा रे पहुँचिछि दुई राज्यर सीमावर्ती अंचल संघर्ष लागि रहिथिबा बेले एभली स्थिति को नियंत्रण करने को जाए आसाम छह जन पुलिस शहीद होती 50 रु अधिक पुलिस आहत होती आसाम कचुआर और मिजोराम कोलासिब जिलार यह सीमा बिवाद सोमवार उग्र रूप धारण कर उभय जिलार स्थानीय बासिंदा उपद्रव में सामिल थिबा बेले सुरक्षा बल सहित सेमानंकर संघर्ष होती उपद्रवी गुड़ी में आसाम छह जन पुलिस कर्मचारी प्राण हर आसाम मुख्यमंत्री सूचना देते राज्य सीमार एभली स्थित को नहीं दुई राज्यर मुख्यमंत्री मध्य ट्विटर वार देखा मिली अनेपटे बिवाद को यथाशीघ्र समाधान करने को केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह दुई राज्यर मुख्यमंत्री को अनुरोध करने दुई राज्य सीमार शांति प्रतिष्ठा नहीं सहमति होता सूचना मिली तो सीमा बिवाद उग्र रूप नहीं अशांत होती आसाम मिजोराम बॉर्डर दीर्घ दिन धरी लगि रही दुई राज्यर सीमा बिवाद एवं चरम सीमार पहुंची दुई राज्यर सीमावर्ती अंचल में संघर्ष लगि रही बेले एभली स्थित को नियंत्रण करने को जाए आसाम छह जन पुलिस शहीद होती 50 रु अधिक पुलिस आहत होती आसाम कचुआर और मिजोराम कोलासिब जिलार यह सीमा बिवाद सोमवार उग्र रूप धारण कर उभय जिलार स्थानीय बासिंदा यह उपद्रव में सामिल थी बेले सुरक्षा बल सहित सेमानंकर संघर्ष होती एथिरे उपद्रवी मानक गुड़ी आसाम छह जन पुलिस कर्मचारी प्राण हर आसाम मुख्यमंत्री सूचना देते राज्य सीमार एभली स्थित को नहीं दुई राज्यर मुख्यमंत्री मध्य ट्विटर वार देखा मिली अनेपटे बिवाद को यथाशीघ्र समाधान करने को केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह दुई राज्यर मुख्यमंत्री को अनुरोध करने दुई राज्य सीमार शांति प्रतिष्ठा नहीं सहमति होता जमापड़ परवर्त खबर को जीवा जेई आडभांस घोषणा होती तारीख आसंता अक्टोबर तीन रे परीक्षा नहीं घोषणा करते केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आईआईटी रे एडमिशन पाई कोविड कटकणा भितर हेब जेई आडभांस परीक्षा पूर्व जुलाई तीन 2021 रे जेई आडभांस परीक्षा होबार थिला किंतु कोरोना पई यहाँ को स्थगित रखा जाइथिला महामारी जो जेई आडभांस 2021 रे किछि परिवर्तन करा जाइछि जो छात्र छात्री जेई 2020 आडभांस क्वालिफाय करिछन्ति किंतु कोरोना पई अनुपस्थित रहिथिले से माने जेई आडभांस 2021 रे सीधा प्रवेश करि पारिबे
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिबे दीदी पांचदिनिया दिल्ली गस्तर थी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपराह्न 4:00 प्रधानमंत्री को भेटार कार्यक्रम रही। मोदी आलोचना पर से एक सांबादिक सम्मेलन करेंगे। तेज ममता प्रधानमंत्री क्यों प्रसंगे आलोचना करेंगे से नहीं राजनीति जोर धरी। 2021 विधानसभा निर्वाचन पर ममता यह प्रथम दिल्ली गस्त। इस समय से प्रधानमंत्री सहित अन्य विरोधी दल नेता भेटार कार्यक्रम अच्छी। विशेषकर विधानसभा निर्वाचन जितना पर दीदी नजर 2024 लोकसभा निर्वाचन उपर रही तेणु ए गस्त काल में से विरोधी दल नेतृवृंद तृतीय मोर्चा नहीं आलोचना करपारती चर्चा जोर धरी। ए क्रम से कंग्रेस मध्यवर्ती कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी एवं कमलनाथ को भेटे जमापड़। पलातक विजय माल्या को यूके हाइकोर्ट का बड़ा झटका। यूके हाइकोर्ट विजय माल्या को देवालिया घोषणा करछंती। यहाँ पर विजय माल्या संपत्ति जबत हो पारे। भारतीय बैंक प्रतिनिधित्व करथुबा लॉ फार्मा टीएलटी एलपीपी एवं बरिस्टर मर्शिया सेक्रेडेमियन का भारतीय बैंक पक्ष रखी देवालिया घोषणा करने को अनुरोध करते। जहाँपर जस्टिस बिग्स हाइकोर्ट में वर्चुआल सुनानी करी विजय माल्या को देवालिया घोषणा करते। पलातक विजय माल्या 9000 कोटी बैंक ऋण करी जाणीशु ऋण न परिशोध करी देश छाड़ी अभियोग रही। स्वदेश फेरिले सुना झील मीराबाई चानू। टोकियो ओलंपिक्स रे भारत पक्षर प्रथम रौप्य पदक हासिल करथिबा भारोत्तोलनकारी साइको मीराबाई चानू सोमवार भारत फेरिछंती। फेरिबा समय रे तांकू नुआदिल्ली विमानबंदर रे भव्य स्वागत संवर्धना दे जाइथिबा बळे केन्द्र क्रीडा मंत्रालय पक्षर मध्य संबर्धित करा जाइथिबा देखबा को मिलिछि। से विमानबंदर रे पहुंचबा पारे पूरा विमानबंदर भारत माता की जय ध्वनि रे प्रकंपित होइथिला। सहयात्री एवं विमान कर्मचारी माने तांकू करताली हर्षनाद माध्यम रे स्वागत करथिले। परे क्रीड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित संवर्धना कार्यक्रम में केन्द्र क्रीड़ा मंत्री समेत अन्य मंत्री मीराबाई को संबर्धित करते। केन्द्र रेल मंत्रालय पक्षर तांकू संवर्धना दिया सहित 2 कोटी टंकार पुरस्कार राशि घोषणा सहित पदोन्नति दि जाएगी। इन्हें ट्वीट कर केन्द्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना देते। सोमवार चतुर्थ दिन में टोकियो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ी माने निजर प्रदर्शन देखाई। केवल पुरुष टेबल टेनिस सार्थक कमाल देखाई बेले अन्य विभाग में एतटा भल प्रदर्शन देखा मिलना है। फेंसिंग क्रीडार भारतर भवानी देवी द्वितीय राउंड में हारी जाता बेले भारतीय महिला हकी दल पुणी थे जर्मानी ठार पराजित होपरी। महिला टेबल टेनिस मनीषा बात्रा संतरण में साजन प्रकाश बंधुक चलन अंगद एवं मैराज अभियान शेष करते। ऑस्ट्रेलिया दल ठू हर पर आज सका प्रथम भारतीय हॉकी दल स्पेन सहित निजर अभियान आरंभ कर भारतीय शूटर मान क्रीड़ा प्रेमी नजर रही। एयार पिस्तल एवं एयार राइफल आज भारतीय शूटर मान रेज कोल्हाइंटे बैडमिंटन बक्सींग सेलिंग प्रदर्शन देखा मिले। तो भारत एकमात्र पदक वर्तमान सुधा हासिल हो सर्वाग्रे रही जापान जेकि 8 स्वर्ण 2 रौप्य 3 ब्रोंज सह 13 पदक पाई। सर्वाधिक स्वर्ण जीति जापान 1 नंबर थी बेले तलुक रही अमेरिका जेकि 7 स्वर्ण 3 रौप्य 5 ब्रोंज हासिल कर। चाइना 6 स्वर्ण 5 रौप्य 7 ब्रोंज सह सर्वाधिक पदक वर्तमान सुधा 18 सर्वाधिक पदक हासिल कर। रुषिया 4 स्वर्ण 5 रौप्य 3 ब्रोंज हासिल कर मोट 12 पदक हाथी। ब्रिटेन 3 स्वर्ण 4 रौप्य 1 ब्रोंज सह 8। साउथ कोरिया 3 स्वर्ण 19 रौप्य पदक जीति और 4 ब्रोंज पदक हासिल कर। ऑस्ट्रेलिया 2 स्वर्ण 1 रौप्य 3 ब्रोंज पदक जीति। इटाली 1 स्वर्ण 4 रौप्य 4 ब्रोंज पदक हासिल कर। फ्रांस 1
स्वर्ण दुईट रौप्य और दुईट ब्रोंज पदक हासिल कर मोट पांचटी पदक हाथी। गाँ को नो एंट्री आमको आमर हक दिपर गाँ को पशिव नुआपड़े एभली नारा दे मेली बांधि हजार हजार वनवासी जेपर्यंत हक न मिली वन विभाग को गाँव में पुराई दिजा बोली जिद्रे अटल अच्छा एवं जंगल जमी मुक्ति आंदोलनकारी यह आंदोलन जारी रही। देखा नुआपड़ आम विशेष रिपोर्ट। गाँ को नो एंट्री वन विभाग को गाँ मना आग हक दि तापरे गाँ को पशिव जमी पटपाई वनवासी मेली माओ अधूषित अंचल नुआपड़ा जिलार सीमांत अनेक गाँ बण पहाड़ घेरा मध्य रही। वर्ष वर्ष धरी वनवासी माने जंगल जमी को चाष कर केन्द्र सरकार जंगल जमी 2006 आईन में समस्त वनवासी को गोष्ठीगत अधिकार दि जाए वनवासी आवेदन करु वन विभाग टाड़ाटूल नीति जो हजार हजार वनवासी माने निज अधिकार रु वंचित यहाँ विरोध कर सिनापाली ब्लॉक माओ अधूषित नंगल बोर्ड ठारे मेली बांधि वनवासी सरकार आदिवासी को अनपारंपरिक वनवासी को जंगल अधिकार दबा कथा किंतु दीर्घ वर्ष होला नहीं दबार एवं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कंटा साजिजे प्रतिबंधक साजिचे तो आमर सबुठ बड़ डिमांडटा है जे गाँ के जेन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स देवार अच्छे नुआपड़ा जिलार केवल गुटे नुआगुड़ा गाँ के दिखे कौन गाँ के नहीं दबार आम डिमांड करुचु जे जेन जेन गाँव में लोके कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स पाई डिमांड करिसन कागजात देइसन से सब गाँवर सिग्नेचर फॉरेस्टर आउ रेंजर नहीं करवार से माने करन बोली करी हमें बार बार कहलु एवं से माने मना करुछन सिग्नेचर नहीं करवार जब द्वारा कि आज जमी जंगल मुक्ति आंदोलन इ जिल्लारे वन विभाग के कौनसी गाँ के पोसा नहीं जे वन विभाग को गाँ मना बोली करी आम अभियान चली छे। गोटे कथा भाई जे आम जमी जंगल मुक्ति आंदोलन नुआपड़ा हिसाब से आम आंदोलन जारी रही किंतु आमर मुख्य दावी होचे जे गोटे गाँ के गोष्ठी सम्बल अधिकारटा दिया जो किंतु फॉरेस्ट डिपार्ट जहाँ चाहूँचे ए तो कौन सी गाँ के आंदोलन गोष्ठी सम्बल अधिकार जेन जीपीएस रिडिंग होचे नापला परे भी सिग्नेचर नहीं देवार से लगी आज आम फॉरेस्ट डिपार्ट कौ तुम्हें आम गाँ के एबारटा मना सरकार को जंगल नियम अनुजाई कौन व्यक्ति जदि 2005 मसीहा डिसेम्बर सुधा जंगल जमी दखल करिथिले सेई व्यक्ति पट्टा पाइबे तबे प्रशासन तरफ केवल किछि आदिवासी मानंकु पट्टा देई अण आदिवासी मानंकु आज पर्यंत पट्टा दिया जाय नै बोली वनवासी माने अभियोग करिछंती। अन्य पटे एहाकु समर्थन जणाइछंती स्थानीय विधायक। सरकार तो अर्डर करि दिछे किंतु इना सरकारी कर्मचारी जेन छन से माने हैरान करुछन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से माने केते बेले हां बोलुछन केते बेले नै बोलुछन ए देखन आमे गजरूपा बंद कर देला परे आसला हाँ बोली मगे भी विश्वास नहीं लगवार था कल के नहीं भी बोल देवा जंगल रक्षण बेक्षण अधिकार टू आरंभ कर जंगल सुरक्षा देवार व्यवस्था सब सरकार से राइट से तांको दे से अधिकार देवाई आज आम दाबी रखी तरफ प्रतिश्रुति देते आगामी तीन रु चार दिन भितर जिते भी पेंडिंग केस अच्छी सब पेंडिंग केस को दिजिव एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा ये आदिवासी मानक नुआपड़ा जिले में पट्टा दिहला पाखापाखि 8000 आदिवासी को जंगल जमी अधिकार आईन में पट्टा दिहला कि अण आदिवासी भाई मैंने आज भी से वंचित अच्छा ताकु किभली भावरे तुरंत सरकार पट्टार व्यवस्था करेंगे तार उपर आलोचना होती आम प्रतिश्रुति आगामी दिन में विधानसभा रे यार उपर आलोचना हबो एवं लोक जो आईन जो अधिकार पाई से अधिकार रु तांकु के वंचित करिपारिबे नाही। एठी प्रश्न उठू काहीं वन विभाग वनवासी को देउनी जमी पट्टा कौन पाई केन्द्र सरकार आईन को टाड़टूल नीति अवलंबन करष वर्ष धरी जंगल में बास करुवा वनवासी को कहीं मिल पार हक। नुआपड़ारु कैमरा पर्सन चंद्रशेखर युधिष्ठिर पटेल रिपोर्ट अर्गस न्यूज। चर्चा रे तालचेर कुनी प्रतिभा स्नेहाल पराल 2 मिनिट 25 सेकेंड्रे 195 देश तार राजधानी ना कहिबा एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथ को नहीं मात्र 22 दिन में 88 पृष्ठार एक बही लिखि रेकर्ड कर स्नेहाल कृतित्व को नहीं ट्विट कर शुभेच्छा जनाई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। लॉकडाउन रे समय सठिक विनियोग कले स्नेहाल कैरियर
जोड़ी हेला विश्व रेकर्ड। तालचेर 8 वर्षर कुनिचियो स्नेहाल एक ऑनलाइन प्रतियोगिता रे भाग नै मात्र 2 मिनिट 25 सेकंड रे विश्वर 195 टी देशर नाम एवं सेगुडीकर राजधानी रो नाम निर्भुल भाबे कहि इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड रे स्थान पाइछंती। मु तृतीय क्लास रे पढे मु रिसेंटली मु ऑल कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स को रिसाइट करछि आउ सेडा ओनली पॉसिबल ड्यू टू माय फादर मदर टीचर ग्रैंड पेरेंट्स हु एनकरेजिंग मी अलॉट। मो मामा कहले कि मते आमे चलो लॉकडाउन पीरियड को आमे ठीक भाबर यूटिलाइज करबा। मो मामा गोटे दिन मते कहले मु तते ऑल कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स देबी आउ तू ताको कहिबू। मु ताको तापरे मु किछि दिन रे ताको मन रखि देली ताको 2 मिनिट 25 सेकंड रे कहिली। नंदीरा कोलियर रे माइनिंग इंजीनियर भाबे कार्यरत सुशील कुमार बरालंको 8 वर्षर अलिओली छियो स्नेहाल एमसीएल कलिंग क्षेत्रर डीबी पब्लिक स्कूल तृतीय श्रेणीर छात्री। छोट वयसर केवे चित्रांकन करी इसरो द्वारा पुरस्कृत होईछंती तो पुणी केवे ओलंपियाड रे बाजी मारी स्वर्ण पदक पाइछंती स्नेहाल। निकटरे से जगन्नाथ महाप्रभुंक किछि अकुहा कहानी कुने एक पुस्तक लेखि बेस चर्चा को आछन्ति। मात्र 22 दिन रे एई बही संपूर्ण करिछन्ति स्नेहाल। खूब शीघ्र नुआदिल्ली जाई प्रधानमंत्री को भेटी प्रभु जगन्नाथंक उपरे आधारित एई पुस्तक तांका हातरे उन्मोचन करबाको लक्ष्य रखिछन्ति से। ओ रिसेंटली एबे बुक लेखिछि ता नाम होला मिरेकल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ आउ तांकर डिवोटीज को उपरे लेखिछि आउ तांका मंदिर गोटे पोएम लिखी ता विषय रे भी और तांकर मंदिर उपर भी किछि लिखी ताकू आमर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को दबा पई चाहूची आउ एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान को दबा पई चाहूची और आमर चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक को दबा पई चाहूची। जो पई आमे बहुत गर्वित आम परिवार बहुत खुशी ये आमे जानिथिलु से पिलाड़ी दिन तार प्रतिभा थिला किंतु आमे एत वर्ष एक्चिवमेंट कर जान नथिलु तो एक्चुअली आमको लॉकडाउन बहुत साहय कला। लॉकडाउन पीरियड रे समस्ते व्यस्त रहिले लैपटॉप मोबाइल ऑनलाइन सब जिनस तो हठात दिने आमे ताको चेष्टा कलु किछि माने कंट्री आउ कैपिटल को रिसाइड करिया पई तो से बहुत खुशी रे बहुत जल्दी कैच कला। तापर क्याच कलापर आम हठात भाविलु नाई या टोटाल कंट्री दवा टोटाल कंट्री देलापर से तार कंट्री आउ कैपिटल को रिसाइड कला ताकू आम देलु आम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड रे वर्ल्ड रिकॉर्ड हिसाब से दर्ज है। ऑल कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स तू मन रखी कही परिबु से सांगे सांगे कहीदेला किछिटा देली मु सांगे सांगे कहीदेला जेमती कहीदेला तर मु कहली ताल तो ये 195 कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स आराम रे कही परिबु तापर से सांगे सांगे मन रखी इवेन 3 दिन भितर से पिला मन रखी जे कंट्रीज कैपिटल्स कह बहुत मुस्किल भी कहीं ना पटे पशिया ना गुड़ाक बहुत कष्टदायक किंतु से मन रखी सब कहीदेले और आम प्रोसीड कलु इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स रे देलु से माने को वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंशन कले अचीवमेंट पाई मु बहुत गर्वित एवं आम फैमिलीज भी बहुत गर्वित था। जगन्नाथ को स्टोरीज गुड़ाक सीता आई ठू शुणे ता जेजमा जेजेबापा अजा समस्त से शुणे किटा शुणे तो ताको से सांगे सांगे सब बसिकी लिखे से तार तो राइटिंग कैपासीटी तार बहुत भल से धीरे धीरे लिखे तो लिखी लिखी तार दिने एत सुंदर बहीटे भली लिखिदेला से स्टोरीज गुड़ाक सब लिखे। एकाधिक प्रतिभार अधिकारिणी स्नेहाल भविष्य में जड़े प्रशासनिक अधिकारी हुई लोकों सेवा करने को लक्ष्य रखिंट। स्नेहाल को एक कृतित्व ने ट्वीट करी खुशी प्रकट करने सह शुभेच्छा जनाई केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एथस तो स्नेहाल को उज्जवल भविष्य कामना कर अजित कुमार बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एक बड़ खबर आसुची संबलपुरु संबलपुर धनुपाली थाना गोविंद तोला अंचल हत्याकांड घटी पूर्व शत्रुता को नहीं युवकों आक्रमण करा जाइथिला
ଗୋବିନ୍ଦତାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀପକ ଯାଦବ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଛକି ରହିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପରେ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣିଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖୁଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନା ଗୋବିନ୍ଦତୋଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦତୋଲା ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପକ ଯାଦବ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଛକି ରହିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପରେ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ। ମଳୟ, ଦୀପକ ଯାଦବକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ତା ପଛରେ କାରଣ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁଲିସ ଚିହ୍ନଟ କଲାଣି କି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଶକ୍ତି ସାହି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋବିନ୍ଦତୋଲା ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୀପକ ଯାଦବ, ଯିଏକି ଗୋବିନ୍ଦତୋଲା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ, ଦୀପକ ଯାଦବ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା, ସେଭଳି ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛକି ରହିଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦତୋଲା ଛକରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ଦୀପକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଡକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ସେବାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାକୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରି ଛାନଭିନ କରୁଛି, କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରିନି ବୋଲି ପୋଲିସ ଯାହା ଧନୁପାଲି ଆଇଆଇପି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଭଳି ଗୋବିନ୍ଦତୋଲା ଛକ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନୁପାଲି ଛକରୁ ଧନୁପାଲି ଥାନା ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଛକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଟେର ପାଇପାରୁନି। ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା କିଭଳି ଘଟିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମଳୟ ଭାଇ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଏ ଧନୁପାଲି ଛକ ଭଳି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଛକରେ ଏଭଳି ହତ୍ୟା ଘଟିବା ସହରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି, ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଯଦିଓ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ଟେର ପାଇନି। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।